सुस्वागतम छात्राः, अद्य वयं षोडशः पाठः दिनेशस्य पत्रं पठिष्यामः। दिनेश ने पत्र लिखा अपने मित्र रमेश को, देखे कि संस्कृत में कैसे पत्र लिखते हैं। पहले तो आप लिखेंगे कहाँ से पत्र लिखा जा रहा है। वही लिख रहे हैं विद्यानिकेतनम पाटलिपुत्रम, विद्यानिकेतन पाटलिपुत्र से लिख रहे हैं, और दिनांक 15/2/2011। अब आगे उसके बाद संबोधन में आइए। प्रियवर रमेश, प्रिय रमेश, सप्रेम नमस्ते, प्रेम सहित नमस्कार है। प्राप्तम तो पत्रम, तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। कुशलम विज्ञाय परम प्रसीदामि, कुशल जानकर अत्यंत प्रसन्न हुआ हो रहा हूँ। अत्रापि सर्वम कुशलमस्ति, आज यहाँ भी सब कुछ कुशल है। मित्र, तुभ्यम संस्कृतम कथम न रुचते, तुम्हें रुच्यर्थी प्रिय माणा चतुर्थी भक्ति होती, इसलिए यहाँ तुभ्यम शब्द प्रयोग किया गया है। तुम्हें संस्कृत क्यों नहीं अच्छी लगती, क्यों रुचिकर नहीं है। भाषासु संस्कृतम मधुरम, भाषाओं में संस्कृत मधुर है। प्राचीनतम वैभवम वैभवमयम च, और प्राचीन वैभव समृद्धिपूर्ण है। भारतीय संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारतीय संस्कृति संस्कृतम अवलंबते, संस्कृत पर अवलंबित है, आश्रित है। यह संस्कृतम न जानाति, जो संस्कृत नहीं जानता है, सा कथम भारतम ज्ञातुं समर्था भविष्यति, वो क्यों कैसे भारत को जानने में समर्थ होगा। कथितमस्ति, कहा गया है, भारत से प्रतिष्ठे द्वे, भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृतम और संस्कृति, तथा संस्कृत और संस्कृति। मित्र, विश्व साहित्य, विश्व के साहित्य में संस्कृत से गौरवम स्थानम अस्ति, संस्कृत का गौरवमय स्थान है। संसारस्य सर्वश्रेष्ठानि अनेकानि पुस्तकानि संस्कृते लिखितानि सन्ति, संस्कृत की सर्वश्रेष्ठ अनेक पुस्तकें संस्कृत में लिखितानि सन्ति, लिखी गई हैं, जैसे वेदाः, वेद, उपनिषद, महाभारत, रामायण, गीता, पंचतंत्र आदि अनेका ग्रंथाः, अनेक ग्रंथ जगतः आकर्षणस्य केंद्रम, जगत के आकर्षण का केंद्र हैं। संस्कृतम, संस्कृत आध्यात्म विद्यायाः, अध्यात्म विद्या का निधान कोश खजाना है। अनेके वैदेशिकाः, अनेक वैदेशिक विदेशी भी आत्मज्ञानाय, आत्मज्ञान के लिए इदानीम इस समय संस्कृतम शिक्षन्ते, संस्कृत की शिक्षा ले रहे हैं। संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा बहूनाम भारतीय भाषाणाम, बहुत सी भारतीय भाषाओं की जननी अस्ति, जननी है, माँ है। यमधिकेन, और अधिक क्या कहें। भारतीया रीति, भारत की रीति, नीति, आचार, व्यवहार, ज्ञान और विज्ञान, सर्वम अत्र मूल रूपेण विद्यते, सब कुछ यहाँ मूल रूप में विद्यमान है। अधुना आजकल संगणक कार्ये अपि, संगणक कंप्यूटर के कार्य में भी संस्कृत से उपयोगिता अनुभूयते, संस्कृत की उपयोगिता अनुभव की जा रही है। अतएव इसलिए वयम संस्कृतम, कि हमें संस्कृत अवश्यम एव अवश्यम पठेम, अवश्य ही पढ़ना चाहिए। पूज्य पादेशु प्रणाम, बड़ों को प्रणाम। अनुजेभ्य स्वस्ति अस्तु, और अनुजों को छोटू को कल्याण हो। पत्रोत्तरम शीघ्रम देयम, पत्रोत्तर शीघ्र देना। अब अंत में प्रेषक का नीचे नाम लिखा होता है, कहाँ से भेजा जा रहा है, लिफाफा, पोस्ट कार्ड, किसी पर भी। उसके बाद संबोधन में अब लास्ट में क्या लिखेंगे, स्नेहाधीन दिनेश, प्रेम का अधीन दिनेश। फिर सब संग्रह पर आते हैं। सब संग्रह में कठिन शब्दों को अर्थ सहित याद करें, आगे भी काम आने वाले हैं। फिर संधि विच्छेद पे आइए। अत्रापि शब्द है, अत्र प्लस अपि, अत्रापि कुशलम अस्ति, कुशलम प्लस अस्ति, संस्कृतम सम प्लस कृतम, संस्कृति सम प्लस कृति, संस्कृति तथा संस्कृति प्लस तथा, रामायणम राम प्लस अयनम। विभक्ति निर्देश देखिए, मैंने बताया था अभी, रुच्यर्था नाम प्रियमाणे चतुर्थी विभक्ति होती, यहाँ तुभ्यम में चतुर्थी विभक्ति का लग गया है, क्योंकि अच्छा लगने की बात कही गई है।
अनुजेभ्यः स्वस्य स्वाहा सुधा अलम वसत योगा चतुर्थी। इस सूत्र के अनुसार स्वस्थ शब्द के पहले अनुजेभ्यः स्वस्ति अस्तु, पूज्य पादेशु प्रणाम, अधारोधिकरणम, अधिकार अधिकरण में सप्तमी होती है तो पूज्य पादों में प्रणाम। सर्वम अत्र मूल रूपेण विद्यते, प्रकृति आदि शब्द की में तृतीया विभक्ति होती है। भाषा संस्कृत मधुरम निर्धारण हो गया, तस्य निर्धारणम सप्तमी, बहुत में से एक को अच्छा बुरा बताने में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये सूत्र भी बहुत आवश्यक हैं। संस्कृत में उत्तर दे प्रश्न नंबर एक, कस्मै संस्कृतम न रोचते, रमेशाय संस्कृतम न रोचते। भारतीय संस्कृति कुत्र अवलंबते, भारतीय संस्कृति संस्कृतम अवलंबते। संस्कृतम कस्या निधानम, संस्कृतम संस्कृति तथा निधानम, कथक कस्या निधानम, संस्कृतम संस्कृति तथा संस्कृतम कासां जननी असि, संस्कृतम बहूनां भारतीय भाषाणां जननी अस्ति। वयम किम पठेम, वयम संस्कृतम अवश्यम पठेम। प्रश्न नंबर दो पे आते हैं, संधि करें। रामायणम राम प्लस अयनम रामायणम, सम प्लस कृति संस्कृति, नीति प्लस अस्तु नीतिरस्तु, किम प्लस अधिकेन किम अधिकेन, संस्कृति तथा संस्कृति प्लस तथा संस्कृति तथा। प्रश्न नंबर तीन में वाक्य निर्माण आगे किया गया है, अब देखेंगे अभी। सही क्रियापद चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अनुजेभ्यः स्वस्ति अस्तु, यहाँ अस्तु का प्रयोग करेंगे। दिनेशः पत्रम अलिखत, रमेशः पत्रम लेखिष्यति, लिखेगा। वैदेशिकाः अपि संस्कृतम शिक्षन्ते, कः संस्कृतम न जानाति, का शब्द है एक बच्चन इसलिए जानाति का प्रयोग होगा। संस्कृत भाषाणाम जननी अस्ति, यहाँ अस्ति लगेगा, जननी एक बच्चन है। पंचमा देखिए, सही शब्द रूप चुनकर रिक्त स्थानों को भरें। संस्कृति ही संस्कृतम अवलंबते, भारतीय से प्रतिष्ठे द्वे, जगतः षष्ठी विभक्ति, तो जगतः आकर्षणस्य केंद्रम, तो जगतः अहम संस्कृतम अवश्यम पठेम, पठेयम अहम एयम होना तो अहम होगा, अहम संस्कृतम अवश्यम पठेयम। स्वस्ति बालिके बालेभ्यः, या बालकेभ्यः, किम अधिकेन। प्रश्न नंबर छः पे आते हैं, संस्कृत में अनुवाद करें। दिनेश रमेश को एक पत्र लिखता है, दिनेशः रमेशम एकम पत्रम लिखति, रमेश को फूल अच्छे लगते हैं, रमेशाय पुष्पाणि रोचते। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं, तो एतस्य निर्धारणं सप्तमी विभक्ति, तो कविषु कालिदासः श्रेष्ठः अस्ति। संस्कृत पढ़ने से बहुत लाभ हैं, संस्कृतम पठने अनेके लाभाः सन्ति, हम लोगों को संस्कृत अवश्य पढ़नी चाहिए। वयम संस्कृतम अवश्यम पठेम, बच्चों का कल्याण हो। बालकेभ्यः स्वस्ति, वाक्य निर्माण यहाँ दिया गया है। प्रश्न नंबर तीन का उत्तर, शब्द और वाक्य विज्ञानम, विज्ञानम अधुना उच्च पदे स्थितः, भारतीयाः भारतीयाः संस्कृतम पठेयुः, पठेम वयम संस्कृतम अवश्यम पठेम। नमः पूर्वे नमः, रोचते बालकेभ्यः मोदकम रोचते, अधुना विज्ञानस्य युगः अस्ति। इसका हिंदी रूपांतरण यहाँ दिया गया है, इसको देख लीजिएगा, जो अभी पढ़ा है उसको रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद में शब्द संग्रह पर आ जाइए। शब्द संग्रह में बता दिया कि रेखांकित को आप अर्थ सहित याद करें, अभ्यास में 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के उत्तर देख करके लर्न करें। थैंक यू।